अगर आप एक जर्मन शेफर्ड लेने की सोच रहे हो तो आप में बहुत सारे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम सिंगल कोट ले, डबल कोट ले, लॉन्ग कोट ले या शॉर्ट कोट ले। ऐसे बहुत सारे मार्केट में जो है डॉग भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे शॉप वाले या ब्रीडर्स आपको क्या करते, कन्फ्यूज़ करते और उसके चलते आपसे जो है पैसा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि सिंगल कोट और डबल कोट क्या क्या है और कैसे इनके आइडेंटिफाई करें कि सिंगल कोट क्या काम में यूज़ होता है, डबल कोट होता है तो डॉग का वो यूज़ किस लिए होता है, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए जानते हैं सिंगल कोट और डबल कोट के बारे में। तो गाइस, जो बहुत सारे डॉग ब्रीड्स आपको देखने को मिलेगी मार्केट में तो सभी सिंगल कोट या डबल कोट के साथ नहीं आते, कोई कोई जो है सिंगल कोट के साथ ही आते डॉग ब्रीड और कोई कोई जो है होते उनको डबल कोट या सिंगल कोट हम बोल सकते हैं। तो जो जर्मन शेफर्ड के अंदर जो डबल कोट होता है, जो सबसे पहला जो ऊपर का कोट होता है उसे गार्ड कोट भी कहा जाता है। वो काफ़ी रूखा होता है और वो डॉग की जो त्वचा की है उसकी रक्षा करता है, जैसे कि पानी से, गंदगी से, अन्य बीमारी से, जैसे कि पर्यावरण के कुछ ऐसे वायरस होते हैं, डिजीज होते हैं जो डॉग के स्किन इन्फेक्शन या फिर स्किन से रिलेटेड होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा बचाव करते हैं, जो कि डॉग के काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। और जो अंदरूनी कोट होता है वो कि काफ़ी ज़्यादा नरम होता है, मोटा होता है और ऊनी तरह का होता है और इसे मोस्ट ऑफ द लोग अंडर कोट भी कहते हैं, जो कि गर्म ठंडे मौसम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है डॉग के लिए और ये काफ़ी ज़्यादा उनके प्रोटेक्शन भी करता है। उनको ठंडी में भी बहुत सारे आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारी ठंडी जगह हो वहाँ पे भी जो है डबल कोट वाले जर्मन शेफर्ड काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि बाहर के कंट्री में जहाँ पर ठंड या बर्फ़ वगैरह गिरते हैं वो लोग जो है डबल कोट के जो जर्मन शेफर्ड ज़्यादा रखते हैं। एक तरह से ये इंसुलेटिंग की तरह काम करता है, जैसे कि बहुत से ठंडी गिर रही है तो उसके चलते क्या हो रहा है कि डॉग का जो शरीर है वो अपने आप मेंटेन रहता है और उसको ज़्यादा इतनी ठंडी नहीं लगती जितनी बाहर ठंडी हो रही है, तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है और काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है वो कोट। तो गाइस ध्यान रखना कि जैसे कि जर्मन शेफर्ड का जो शॉर्ट कोट होता है तो उनकी जो हेल्थ है आपको थोड़ी बहुत कम देखने को मिलेंगी कंपेयर टू जो लॉन्ग कोट के डॉग ब्रीड होते हैं उनसे, जैसे कि उनकी मुंह का फेस भी वहाँ से भी आपको पता चलेगा। और कभी कभार आपने देखा होगा कि जर्मन शेफर्ड के ऊपर वाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, हालाँकि ये कभी कभार ही होते और कभी कभार उनके जो जीन्स होते हैं उसके कारण ऐसा हो सकता है, बट ज़्यादा करके ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप ध्यान रखना उसके मदर फादर को जरूर से चेक करना कि ओरिजिनल डॉग ब्रीड है कि नहीं। कभी कभार थोड़े बहुत स्पॉट्स आपको चेस्ट पे या फिर पाँव पे देखने को मिलेंगे या फिर कोई कोई अगर जर्मन शेफर्ड मिक्स डॉग ब्रीड है तो वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ उसको कलर लगा देते ब्लैक कलर, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि लेते टाइम अगर कुछ ऐसा ब्लैक कलर या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है जिसके कारण वो छुपा रहे या फिर आपसे या फिर कुछ गड़बड़ी लग रही है आपको डॉग को, तो ज़रूर से आप पूछिएगा, पहले देखिएगा, फिर आप बाय कर सकते हैं। और वही बात करें हम लॉन्ग कोट की तो लॉन्ग कोट में क्या होता है कि जो पपी की हाइट बॉडी होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है, मस्कुलर दिखता है आपको और काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, उसके पंजे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े और मोटे होते हैं, साथ में टेल भी आपको देखोगे कि टेल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हेयर आपको देखने को मिलेंगे और उनके आप जैसे उनके फर के अंदर उंगली डालोगे कि 3 इंच तक या फिर 4 इंच तक उनके हेयर आपको देखने को मिलेंगे, वो डबल कोट आप उसे बोल सकते हैं। और जो उनके ईयर होते हैं यानी कान होते हैं उनके भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको जो है बाल देखने को मिलेंगे। और गाइस बात करें इनकी प्राइस की तो शॉर्ट कोट का जो मेल होता है उसकी प्राइस जो आपको 14,000, 15,000 या 16,000 के आसपास मिलेगी और फीमेल की बात करें तो 9,000, 10,000 या फिर 11,000 के आसपास मिलेगी। और वही बात करें हम डबल कोट की तो डबल कोट का जो जर्मन शेफर्ड होता है उसका जो प्राइस होता है वो 16, 17, 18 या 20 तक भी जा सकता है, बट अगर आप बार्गिन करते हो अच्छे से तो आपको आराम से 14 या 15,000 के आसपास भी मिल जाएगा और फीमेल आपको 12,000 के आसपास मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। जैसे कि शॉर्ट कोट का एडवांटेज क्या होता है कि सबसे पहले आपको प्राइस जो होता है वो कम देना पड़ता है और साथ साथ में जो उनको मेंटेन का खर्चा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है आपका। और जैसे कि गर्मी में वो डॉग को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है तो उस टाइम में ये शॉर्ट कोट काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और उसका प्राइस अगर कम देते हो आप बाय करते टाइम पे तो अगर आप इन्हें अच्छे से मेंटेन रखते हो, डाइट अच्छे से फॉलो करते हो तो आप इन्हें मोटा भी कर सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज आप इसे बोल सकते हो। और अब बात करते हैं लॉन्ग कोट का जर्मन शेफर्ड है उसके जो क्या क्या एडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले उनका जो आपको दिखने में काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रांग देखने को मिलेंगे, आप डॉग शो में भी उनको ले जा सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे प्राइज़ मनी आपको देखने को मिलेंगे जिसके कारण आपका डॉग प्राइज़ मनी जीत सकता है।
और साथ साथ में आपको जो है एक अच्छा गार्ड डॉग की तरह आपको काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं अगर ट्रेन अगर अच्छे से नहीं करते बट अगर जर्मन शेफर्ड अच्छा लॉन्ग कोट वाला हो तो देख के भी उनको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है तो वो घर में भी घुसने की कोशिश नहीं करते। और अगर आप ऐसे ठंडे इलाके में रहते पहाड़ियों में रहते तो वहाँ पर भी जो डॉग को गर्मी देने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है लॉन्ग कोट, तो ये लॉन्ग कोट के बहुत सारे ज़्यादा फ़ायदे हैं और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत डॉग ब्रीड लगती है। तो शॉर्ट कोट का यही डिसएडवांटेज है कि वो क्या होता है कि जैसे ठंडी में उनको ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगती है, वो ठंडी नहीं सहन कर पाते और पानी में भी जल्दी से उनके अंदर पानी चला जाता है तो फिर सूखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और वैसे ही जैसे लॉन्ग कोट का अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड है तो उसको भी ऐसा ही है कि गर्मी के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, उनको नहलाते टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको आ सकती है। बहुत सारे डॉग ब्रीडर होते हैं या डॉग सेलर होते हैं वो आपको बोलेंगे एंगुलेशन वाले डॉग ब्रीड चाहिए या स्ट्रेट डॉग ब्रीड चाहिए, तो दोनों डॉग ब्रीड अच्छे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एंगुलेशन वाले डॉग ब्रीड होते और डॉग शोस में या फिर उनका जो बैठने का खड़े रहने का एंगुलेशन होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और जो स्ट्रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको नॉर्मल जैसा लगेगा नॉर्मल डॉग की तरह, बट वो आगे जाके वो भी एंगुलेशन की तरह थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, तो ये भी आपका डाउट जो है सॉल्व हो गया होगा। तो गाइस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर करना, ज़रूर से हमें सपोर्ट कीजिएगा। मेरा जो सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, उसके ऊपर भी मैं न्यू वीडियो लाता रहता हूँ, और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।